हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल नीला मोहम्मद किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी रेसिपी रबड़ी की, और इसे ये इंस्टेंट रबड़ी की रेसिपी है। इसे ब्रेड से बनाया गया है। ये बनाना बहुत ही आसान है, खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए फिर रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक पैन में 1/2 लीटर दूध उबाल रही हूँ। तो जब तक हमारा दूध उबल रहा है, तब तक यहाँ पे मैं ब्रेड स्लाइस कट कर ले रही हूँ। मैं यहाँ पे 3 ब्रेड स्लाइस ले रही हूँ। इसके साइड को ऐसे कट करके निकाल लेना है, और इसे हम ब्रेड से बना रहे हैं। तो बस इस तरह सारे ब्रेड स्लाइस मैंने कट कर लिए हैं, और इसे हमें करना है ग्राइंड। तो एक मिक्सिंग जार में बस इसे ऐसे तोड़ कर छोटे क्यूब्स करके डालें, और एक बार इसे चला कर इसे ग्राइंड कर लें। देखिए ये हमारा ब्रेड ग्राइंड हो गया है। अब मैं यहाँ पे दूध को एक बार चेक कर ले रही हूँ। तो दूध हमारा अच्छे से उबल रहा है। बस इसके किनारे इस तरह छुड़ाते हुए हमें इसे अच्छे से उबालना है। दूध हमारा अच्छे से उबल रहा है, और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 2 चम्मच मिल्क पाउडर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालें, वरना आप इसे स्किप करें। आप इस जगह पर मिल्क माइंड का भी यूज कर सकते हैं। तो बस इसे अच्छे से मिला दें, और मैं यहाँ पे अब ऐड कर दे रही हूँ जो हमने ब्रेड को ग्राइंड करके रखा था उसे, और इसे मिला दें। जैसे ही आप इसमें ब्रेड को डालेंगे, ये धीरे धीरे ठीक होता चला जाएगा। तो बस इसे अच्छे से मिला दें इस तरह, और देखिए हमारी रबड़ी अब तैयार होने को ही है। बस साइड से इसे छुड़ाते हुए अच्छे से मिलाना है, चलाते रहना है इसे। तो ये धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 3 बड़े चम्मच शुगर। आप यहाँ पे मीठे की क्वांटिटी अपने हिसाब से रख सकते हैं। आप जैसा मीठा खाना पसंद करते हैं, उस हिसाब से आप इसमें चीनी ऐड करें। बस इसे फिर से मिला दें, और इलायची मैंने 4 ली हुई है यहाँ पे, इसे भी अच्छे से मिला दें। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा फूड कलर। अगर आपको पसंद है तो डालें, वरना ना डालें, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो बस इसे भी अच्छे से मिला दें, और मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट। लीजिए हमारी रबड़ी तैयार हो गई है। अब मैं यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑफ कर रही हूँ, और इसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने दे रही हूँ। तो लीजिए हमारी रबड़ी तैयार हो गई है। ठंडा हो जाने के बाद थोड़ी ठीक हो गई है। तो मैं इसे गार्निश कर दे रही हूँ थोड़े से रेनिश से, और बस ये रबड़ी तैयार हो गई है। तो अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।